दोस्तों आज जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। आज का मैच जो T20I में सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है जिम्बाब्वे ने अपने नाम, जो कि आज मैच चल रहा था जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया के बीच में जो मैच चल रहा है T20I का। दोस्तों बात करें अगर मैच की तो 12वां मैच चल रहा था जिसमें कि ICC मेंस वर्ल्ड कप सब रीजनल अफ्रीकन क्वालिफायर लीग में मैच चल रहा है, जिसमें कि अगर बात करें तो जिम्बाब्वे की ओर से 344 रन बनाए गए। कुल रनों में से योगदान जो रहा सबसे ज़्यादा योगदान रहा कप्तान सिकंदर रजा, जैसे ही टॉस को उछाला गया सिकंदर रजा के पक्ष में टॉस गिरा और टॉस गिरने के बाद जो है बैटिंग करने के लिए आए टीम मरुमनी, और वहाँ जिन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाने के साथ देखिए यहाँ रन जो बनाए गए हैं वो दोनों के बीच में साझेदारी हुई, 98 रनों की साझेदारी हुई है। 5.4 बॉल में ही 98 रनों का पार्टनरशिप हुआ, जिसमें टी मरुमनी ने 62 रनों का योगदान दिया 19 गेंदों में, 9 चौके और 4 छक्के की मदद से। टी मरुमनी ने जो विकेट कीपर के रूप में स्वयं आए ओपनिंग करने के लिए आए, 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 19 गेंद में 62 रन बनाकर पवेलियन गए। वहीं पर ब्रायन ब्रेनेट ने 50 रन बनाए 26 गेंदों में, 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद आए ब्रायन मायर्स, आए सेकेंड बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने मात्र 5 गेंदें खेली, इसमें 1 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल रन 12 रन बनाए। उसके बाद ही देखिए यहाँ सिकंदर रजा को आने का मौका मिला। सिकंदर रजा आए और उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उन्होंने मात्र 43 गेंदों का सामना किया, इसमें 7 चौके और 15 छक्कों की मदद से 133 रन बनाए, जो कि T20 में किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर माना जा सकता है जिम्बाब्वे की ओर से। वहीं पर फिर रायन बेल आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया जिसमें से 3 चौके और 1 छक्के लगाए। उसके बाद आए क्लिफ मांडांडे और जिसमें 17 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके लगाए। इसी के साथ कुल स्कोर जो है जिम्बाब्वे की टीम का 344 रनों पर जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। सबसे बड़ी पार्टनरशिप कही जा सकती टी मरुमनी और ब्रायन ब्रेनेट के जो दोनों के बीच में हुआ, जिसमें से 98 रनों का मात्र 34 गेंदों में पार्टनरशिप हुआ। कितने रजा की बात करें तो उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें से 12 चौके और 9 छक्कों की मदद से उन्हें अपने शतक को पूरा किया। उसके बाद जो है टोटल स्कोर 344 पर जा पहुंचा और सिकंदर रजा ने कुल रन बनाए 133 रन, जिसमें से 15 छक्के शामिल रहे और 9 चौके। 200 के इतिहास में सर्वोच्च T20 अंतर्राष्ट्रीय स्कोर कुछ इस प्रकार है। जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पर बनाम गाम्बिया 2024 में बनाया। उसके पहले नेपाल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो कि 314 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर बनाम मंगोलिया 2023 का है। और भारत ने भी 297 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर बनाम बांग्लादेश, हाल ही में आप जानते भी होंगे 2024 में बनाए हैं सब रीजनल मैच में, जो कि जिम्बाब्वे ने 286 रन बनाए थे, जो कि रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया। लेकिन आज उन्होंने एक काम कर दिखाया और 344 रनों का विशाल स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब अफगानिस्तान ने 278 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड के खिलाफ 2019 में। देखने वाली बात होगी कि इस रिकॉर्ड को भी कोई तोड़ सकती है या नहीं। फास्टेस्ट शतक की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट शतक में अभी तक डेविड मिलर, जो कि 2017 में 35 गेंदों में T20 में शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज बने। वहीं दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा भी 2017 में ही 35 गेंदों में 100 रन पूरे करने वाले दूसरे प्लेयर हैं, और जो कि पहले प्लेयर डेविड मिलर हैं, दूसरे प्लेयर रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड है जो कि श्रीलंका के खिलाफ है, मात्र 35 गेंदों में उन्होंने शतक जड़े थे। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, जो कि आगे निकल चुके हैं रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद, जो कि मात्र 33 गेंदों में शतक बना चुके हैं,
यहाँ 33 गेंदों में शतक पूरा करके अपना अपने नाम रिकॉर्ड कर लिए हैं। देखने वाली बात होगी कितने रनों से जीतती है।